हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम परार हियर फ्रॉम रिसर्च डिपार्टमेंट। दोस्तों, आज लर्न विद जीपी एंड मेक ट्रेडिंग इजी में हम जो सीखने वाले हैं वो है डाउ थ्योरी के बारे में। यस, डाउ थ्योरी के बेस पे ही दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सीखा जा सकता है। एंड अगर इसका नॉलेज, अगर आइडिया आ गया तो हो सकता है कि आपकी जो टेक्निकल के ऊपर ग्रिप है वो बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्क्रीनर के बारे में देखा था कि स्क्रीनर के बेस पे जाके आप क्या क्या उसका बेनिफिट ले सकते हो। जैसे दोस्तों, हमने कुछ स्क्रीनर के बारे में बात की थी टेक्निकल टर्म में, जैसे लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम लो के बारे में हमने डिस्कशन किया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था। अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ तो डिविडेंड पर शेयर है या तो फिर पीबी है, पीई है, इन सारे के सारे स्टफ के बारे में हमने स्क्रीनर में डिस्कशन किया था। उसका एडवांटेज भी कैसे आप ले सकते हो उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में हम डाउ थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, आपको नॉलेज देने वाले हैं। अगर आपको डाउ थ्योरी के बारे में दोस्तों अगर इन डेप्थ नॉलेज अगर आ गया तो हो सकता है कि टेक्निकल का जो ये फर्स्ट स्टेप है उसके बेस आपका बहुत पक्का हो सकता है। एंड आने वाले जो भी हम कॉन्टेंट शेयर करेंगे उसकी भी आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल सकती है दोस्तों। यस, चार्ल्स एच डाउ ये वो बंदा है जिसने डाउ थ्योरी का इन्वेंशन किया था, चार्ल्स एच डाउ दोस्तों। एंड ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यस, फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों। ये जो थ्योरी है वो 100 ईयर ओल्ड है, लेकिन अगर आज भी अगर मैं इसकी इफेक्ट या इंपैक्ट की बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पर, तो आज भी उतनी ही है जितनी 100 ईयर अगो थी। तो आप सोच सकते हो कि 100 ईयर पुरानी थ्योरी आज भी टेक्निकल एनालिसिस में उसकी कितनी इंपैक्ट है दोस्तों। यस, तो प्लीज यहाँ से हम जो शुरू करने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, उसके बेस पे ही दोस्तों ये जो डाउ थ्योरी है वो टिकी हुई है। मेजर ऐसे 6 प्रिंसिपल है दोस्तों डाउ थ्योरी में, जिसके बेस पे डाउ थ्योरी है। एंड अगर ये प्रिंसिपल के बारे में अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज आ जाता है तो हो सकता है कि आने वाला जो कंटेंट है, हो सकता है आपका जो डे टू डे टेक्निकल एनालिसिस का जो आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा और ईज हो जाए। तो आइए दोस्तों, डाउ थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ जानते हैं कि एक्चुअली जो 6 प्रिंसिपल है जिसके बेस पे डाउ थ्योरी है वो कौन कौन सा प्रिंसिपल है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल दोस्तों जो है वो है स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ऑल इन्फॉर्मेशन। यस, स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ऑल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ऑल इन्फॉर्मेशन, ये सुनते ही आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि एक्चुअली ये थ्योरी का जो पहला प्रिंसिपल है वो पहला प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहना चाहता है, इसका बेस क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है उससे पहले ही जो प्राइस होती है वो रिएक्ट कर जाती है। यस, आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि प्राइस में बहुत अच्छा खासा उछाल आ गया है या कोई गिरावट आ गई है। एंड हम लोग देखते हैं कि या कोई न्यूज हो सकती है या कोई न्यूज आई है कि नहीं आई है, हम कॉल करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, टेलीग्राम चेक करते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज चेक करते हैं कि कोई न्यूज आई है कि नहीं आई है, लेकिन न्यूज पता नहीं चलती। न्यूज कब पता चलती है, हो सकता है कि आफ्टर मार्केट आवर्स है, या हो सकता है कि नेक्स्ट डे अगर हमें न्यूज पता चलती है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्राइस डिस्काउंट ऑल इन्फॉर्मेशन, न्यूज आने से पहले ही प्राइस में एक सडन जंप या करेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भाव भगवान है। यस, इसीलिए हम कहते हैं कि भाव भगवान है, क्योंकि न्यूज आने से पहले ही जो प्राइस है वो रिएक्ट कर जाती है। एंड हमें ब्लास्ट में पता चलता है वो कि ये न्यूज आई है इसलिए प्राइस ने ये मूवमेंट दी थी, ये न्यूज आई इसलिए प्राइस गिरा था। एंड दोस्तों, अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूँ तो आप आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी ले सकते हो, या आप इलेक्शन की बात कर सकते हो, इलेक्शन का या रिसेंट, अगर मैं रिसेंटली एग्जांपल की बात करूँ तो दोस्तों आपको आइडिया ही होगा 2014 जब मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई थी, तब आप देखो कि जहाँ पे 6300 के डबल टॉप बनाए थे। एंड जब मोदी गवर्नमेंट आने वाली थी एंड उसके बाद भी जो रैली थी वो आपको पता ही है, जब मोदी गवर्नमेंट का रिजल्ट क्लियर आया था कि मोदी गवर्नमेंट ही चुन के आई थी, नो डाउट उस दिन पे काफी अच्छा हाई निफ्टी ने बनाया था। लेकिन दोस्तों, आप देखो उसके पहले का ट्रेंड कि कितना अच्छा शानदार मूवमेंट हम निफ्टी में देखने को मिला था। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट को पता चल गया था कि जो गवर्नमेंट बनने वाली है वो बीजेपी गवर्नमेंट ही बनने वाली है, इसलिए मार्केट ने काफी अच्छा रिएक्शन दिया था। अगर मैं रिसेंट की बात करूँ तो रिसेंट में भी आपने देखा होगा सेम एग्जाम्पल रिपीट हुआ है। अगर मैं आरबीआई की बात करता हूँ, अगर कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर मार्केट को लगता है कि नहीं यार, हो सकता है कि आने वाली पॉलिसी में
आरबीआई कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हमें दे सकती है, तो दोस्तों मार्केट ऑलरेडी इस चीज को डिस्काउंट कर चुका होता है, तब जाके न्यूज हमें पता चलती है कि ओके ये न्यूज आ गई है, इसलिए मार्केट ने काफी अच्छी मूवमेंट हमें दे दी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि द स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ऑल द इन्फॉर्मेशन, यस दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड अगर आप इस प्रिंसिपल को लेके चलो तो अगर आप इस प्रिंसिपल का अगर आपको आइडिया रहे तो हो सकता है कि आप आने वाले इवेंट्स को और कंसीडर और थोड़ा सा इन डिटेल कंसीडर करोगे एंड इसके बेस पे जाके एक डिसीजन होके डिसीजन ले सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट द स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ऑल इन्फॉर्मेशन, यस ये पहला प्रिंसिपल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रिंसिपल दोस्तों डाउ थ्योरी का ये है दैट द स्टॉक मार्केट हैव थ्री ट्रेंड्स, यस दोस्तों अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो डाउ थ्योरी ये कहता है द स्टॉक मार्केट हैव थ्री ट्रेंड्स। थ्री ट्रेंड्स यानी कि फर्स्ट ट्रेंड जो होता है दोस्तों वो है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड यानी कि एक ऐसा ट्रेंड दोस्तों जो लगातार ऊपर के मूवमेंट का रहता है, यस लगातार अप ट्रेंड का रहता है। प्राइमरी ट्रेंड यानी कि फर्स्ट ट्रेंड यानी कि एक जो ट्रेंड जो लॉन्गर टर्म के लिए इंटेक्ट रहता है। डाउ थ्योरी का दूसरा प्रिंसिपल दैट द स्टॉक मार्केट हैव थ्री ट्रेंड्स। थ्री ट्रेंड्स में पहला ट्रेंड जो रहता है दोस्तों प्राइमरी ट्रेंड का है, एंड प्राइमरी ट्रेंड जो रहता है वो दोस्तों या तो बुल रहता है या तो बियर रहता है, लेकिन जो रहता है वो मोर देन अ ईयर के लिए रहता है, यस इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रेंड। ये अप भी जा सकता है, ये डाउन भी जा सकता है, यस आपको ये याद रखना है कि दूसरे प्रिंसिपल में पहली जो चीज हमने बात की थी वो है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड के बाद दोस्तों जो तीसरा दूसरा जो ट्रेंड आता है दोस्तों वो है सेकेंडरी ट्रेंड, यस सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है दोस्तों, इट जस्ट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रेंड, यस सेकेंडरी ट्रेंड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है मेरा, एक्चुअली प्राइमरी ट्रेंड अगर मैं देखूँ, अगर मेरा एक्चुअली प्राइमरी ट्रेंड देखूँ दोस्तों तो वो मेरा एक पॉजिटिव साइड का है। अगर मैं इसमें सेकेंडरी ट्रेंड देखूं तो दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि स्टॉक काफी अच्छी मोमेंटम दे रहा है, लेकिन इन बिटवीन कहीं ना कहीं कुछ टाइम हो रहा है ऐसा आ जाता है कि हमें छोटा बहुत करेक्शन मार्केट में देखने को मिलता है। स्टॉक लगातार 50 to 100 जा रहा है, ओके लेकिन 50 to 100 के बीच में अगर मैं देखूँ तो 5-10-15 रुपए का करेक्शन हमें देखने को मिलता है, ओके एंड उसके बाद वापस जो अपना ट्रेंड है वो रिज्यूम होता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। हमने कहीं पे ऐसा तो नहीं देखा ना कि स्टॉक सीधा सीधा यानी कि एक सिंगल लाइन में 50 to 100 हुआ है, हमने कभी ऐसा नहीं दिखा है। तो क्या होता है कि 50 to 60 जाता है, 60 के बाद नीचे 57 आता है, 57 to 65 जाता है, 65 से नीचे 63 आता है, एंड वापस अपना जो प्राइमरी ट्रेंड है वो रिज्यूम करता है। मेरे कहने का दोस्तों ये मतलब होता है कि प्राइमरी ट्रेंड में ही सेकेंडरी ट्रेंड होता है। जैसे ये मेरा ट्रेंड ऊपर आया, सेकेंडरी ट्रेंड में थोड़ा सा फॉल हमें मार्केट में देखने को मिलता है, सेकेंडरी ट्रेंड के बाद वापस प्राइमरी ट्रेंड रिज्यूम होता है, वापस एक माइनस ऑफ फॉल हमें देखने को मिलता है, वापस एक अपर साइड का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, एंड वापस एक हमें फॉल देखने को मिलता है। इसी तरह से ओवरऑल जो स्टॉक रहता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट रहता है, स्टॉक स्पेसिफिक जो रहता है वो इसी तरह से बिहेव करता है। सो सेकेंडरी ट्रेंड इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रेंड, एंड दोस्तों प्राइमरी ट्रेंड जो रहता है वो मोर देन अ ईयर रहता है, यस मोर देन अ ईयर हमें प्राइमरी ट्रेंड की जो इफेक्ट है वो देखने को मिलती है। एंड सेकेंडरी ट्रेंड जो दोस्तों रहता है वो 3 weeks to 3 months रहता है, यस अगर मैं ये पूरे के पूरे ट्रेंड की दोस्तों बात करता हूँ, अगर मैं ये दोस्तों पूरे के पूरे ट्रेंड की बात करता हूँ तो ये मेरा जो ट्रेंड रहता है दोस्तों ये 1 year के लिए रहता है, ओके अगर इन बिटवीन अगर कोई ट्रेंड अगर माइनस या करेक्शन हमें देखने को मिलता है, ओके तो ये मेरा सेकेंडरी ट्रेंड है। ये मेरा दोस्तों थ्री वीक्स टू थ्री मंथ्स रहता है, यस 3 weeks to 3 months रहता है। तो आपको ये सोचना है, आपको यहाँ पे ये एनालिसिस करना है कि मेरा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप है, अगर इन बिटवीन अगर कोई भी करेक्शन आता है वो करेक्शन कहाँ तक आता है, कहाँ पे होल्ड करता है, उसके बाद का जो मेरा ट्रेंड रिज्यूम होगा प्राइमरी ट्रेंड वो कब रिज्यूम होगा,
ताकि जो प्राइमरी ट्रेड है उस डायरेक्शन में मैं ट्रेड ले सकूं एंड उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने के बाद मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो जब भी प्राइमरी ट्रेंड दोस्तों अब रहता है, मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो वही ट्राई करते हैं कि जो ट्रेड लेना है वो प्राइमरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही लेना है। अगर प्राइमरी ट्रेंड आपका अप है तो मोस्टली ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेड मुझे प्राइमरी ट्रेंड के हिसाब से ही लेना है। इन बिटवीन अगर सेकेंडरी ट्रेंड आता है तो सेकेंडरी ट्रेंड कहाँ पे एंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड एंड होने के बाद कहाँ से मेरा प्राइमरी ट्रेंड रिज्यूम होगा ताकि मैं अर्ली स्टॉक में एंट्री करूं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट करूं। तो दोस्तों प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड इसके बाद दोस्तों रहता है एक माइनर ट्रेंड। यस, माइनर ट्रेंड दोस्तों इट्स अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड। जैसे सेकेंडरी ट्रेंड इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रेंड, वैसे ही माइनर ट्रेंड इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जैसे सेकेंडरी ट्रेंड दोस्तों अगर नीचे का है, ओके, सेकेंडरी ट्रेंड दोस्तों जैसे नीचे का आ रहा है, प्राइमरी ट्रेंड इसका पॉजिटिव साइड का है, ऊपर की साइड का है। अगर सेकेंडरी ट्रेंड अगर लोअर साइड का है तो माइनर ट्रेंड इन बिटवीन सेकेंडरी ट्रेंड में होता है। यस, माइनर ट्रेंड इन बिटवीन सेकेंडरी ट्रेंड में होता है। तो आपको दोस्तों ये भी वॉच करना है कि सेकेंडरी ट्रेंड में माइनर ट्रेंड जो हाई लो बना रहा है, यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम या लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, वो कहां तक बना रहा है, उसका सिग्निफिकेंस कहां पे है, वो सेकेंडरी ट्रेंड पे कहां पे, सेकेंडरी ट्रेंड के कहां पे आगे रुकता है, वहीं से कहां वापस कैसे मेरा सेकेंडरी ट्रेंड रिज्यूम करेगा एंड वो सेकेंडरी ट्रेंड खत्म होने के बाद मेरा प्राइमरी ट्रेंड कहां से कैसे रिज्यूम करेगा। तो दोस्तों ये जो थ्री ट्रेंड है उसका आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है। प्राइमरी ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है दोस्तों, मोस्टली ट्रेडर उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी ट्रेंड में इन बिटवीन अगर सेकेंडरी ट्रेंड आता है तो सेकेंडरी ट्रेंड कहाँ पे होल्ड करेगा, वहीं से कैसे मेरा प्राइमरी ट्रेंड चलेगा उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। सेकेंडरी ट्रेंड जब आता है तो इन बिटवीन मेरा जो माइनर ट्रेंड है वो कैसे कहाँ पे होल्ड लेगा उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों मोस्टली ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। यस, तो दोस्तों अगर आपको ये बेसिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड का अगर आपको आइडिया आ जाता है तो हो सकता है कि उसके बेस पे जाके आप काफी अच्छा ट्रेडिंग फॉर्मेशन निकाल सकते हो, उसके ऊपर जाके आपका काफी अच्छा ट्रेडिंग फॉर्मेशन बन सकता है। दोस्तों प्राइमरी ट्रेंड जो रहता है वो मोर देन वन ईयर रहता है, सेकेंडरी ट्रेंड 3 weeks to 3 months रहता है एंड माइनर ट्रेंड सिंगल डे टू 3 weeks रहता है। प्लीज नोट डाउन दिस टाइम होराइजन दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। प्राइमरी ट्रेंड मोर देन ईयर रहता है, सेकेंडरी ट्रेंड 3 weeks to 3 months रहता है एंड माइनर ट्रेंड सिंगल डे टू 3 weeks रहता है। तो दोस्तों ये एक सेकेंड प्रिंसिपल है जिसके ऊपर डाउ थ्योरी जो है उसका बेस है। यस, पहला प्रिंसिपल दोस्तों हमने सीखा मार्केट डिस्काउंट ऑल द इंफॉर्मेशन। यस, दूसरा प्रिंसिपल द स्टॉक मार्केट हैव 3 trends। यस, अभी दोस्तों जो हम तीसरे प्रिंसिपल की बात करेंगे वो तीसरा प्रिंसिपल दोस्तों ये है प्राइमरी ट्रेंड हैव 3 phases। यस, हमने ऑलरेडी प्राइमरी ट्रेंड की दोस्तों बात कर ली, प्राइमरी ट्रेंड हैव 3 phases, ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल है। अभी दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है। एंड कई बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि एक्चुअली हमने ये ट्रेंड देखा भी होता है, एक्चुअली हमने ये फेस देखा होता है लेकिन हमें याद नहीं आता, हम कहीं पे छूट जाते कि नहीं एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है, एक्चुअली ये होता क्या है। यस, तो ये जो डाउ थ्योरी का जो तीसरा प्रिंसिपल है प्राइमरी ट्रेंड है 3 phases, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस 3 phase में पहला जो फेज आता है वो एक्यूमुलेशन फेज होता है। यस, एक्यूमुलेशन फेज में दोस्तों नॉर्मली जो स्टॉक होता है वो एक्यूमुलेट होता है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट कब होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मार्केट में कई बार एकदम टोटली नेगेटिविटी आ जाती है, एकदम नेगेटिविटी छा जाती है, फंडामेंटल वीक पड़ने लगते हैं। अगर मैं कंट्री वाइज फंडामेंटल की बात करूँ, सेक्टर ओवरऑल इकोनॉमिक फंडामेंटल की बात करूँ तो उसमें कहीं ना कहीं हमें वीकनेस देखने को मिल जाती है। अगर मैं ओवरऑल सेलिंग प्रेशर की बात करूँ तो
सप्लाई हमें मार्केट में देखने को मिलती है, ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमी पे होता है वहीं पे भी हमें नेगेटिविटी आ जाती है, जो सेंटीमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं हमें एक वीक इंडिकेशन देता है दोस्तों। यस, एंड ओवरऑल मार्केट में एक इतनी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है, एंड कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ये गिरावट और भी आगे जाके बढ़ सकती है दोस्तों। यस, ये टाइम दोस्तों ये टाइम होता है जब एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होता है। यस, जब नेगेटिविटी मार्केट में होती है ना दोस्तों तभी एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होता है, एंड जो स्मार्ट मनी होता है वो इसी टाइम पे मार्केट में एंटर करने का ट्राई करता है। यस, नॉर्मली ट्रेडर क्या कहता है कि नहीं यार अभी करेक्शन आ गया है, यानी कि और करेक्शन आने के चांसेस मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं। इतनी सारी नेगेटिविटी मार्केट में है, इकोनॉमी वीक कंडीशन में है, अगर मैं कंपनी वाइज देखने जाऊँ तो वीक कंडीशन है, अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूँ तो वो भी अभी नेगेटिव जोन में है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से और गिरेगा। ये एक नॉर्मल लेमैन अगर बंदे की बात करूँ, अगर मैं छोटे ट्रेडर की बात करूँ तो उनका थिंकिंग ये रहता है। लेकिन ये एक ऐसा टाइम होता है दोस्तों जहाँ पे स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट में एंटर होता है, एंड यहीं से आपका दोस्तों एक्युमुलेशन फेज स्टार्ट होता है। यस, प्राइमरी ट्रेंड का फर्स्ट फेज एक्युमुलेशन दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये अपना प्राइमरी ट्रेंड है, एंड स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड दोस्तों ये जो पीरियड है दोस्तों ये अपना एक्युमुलेशन है, यहाँ से मार्केट करेक्शन देता है। यस, यहाँ पे मार्केट करेक्शन देता है, यहाँ पे मार्केट कुछ दिन रुकता है, एंड यहीं पे और नॉर्मली छोटे बंदे छोटे ट्रेडर जो होते हैं उनको यही लगता है कि नहीं मार्केट अब यहाँ से और गिरेगा, हमें मार्केट में से निकल जाना चाहिए, हमें अभी साइडवेज रहना चाहिए, मार्केट को और करेक्शन देने दो, और थोड़ा सा गिरेगा तब हम एंटर करेंगे, उसके बाद हम एंट्री लेंगे, उसके बाद ट्रेंड कन्फर्म होगा, हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये यही एक ऐसा मौका होता है कि जहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर करता है, एक अच्छा खासा बेस बनता है, और उसके बाद एक अपसाइड की मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिलती है दोस्तों। यस, एंड आपने भी इसको विटनेस किया होगा, अगर मैं रिसेंट की बात करूँ कोरोना की। यस, अगर आपने देखा होगा मार्च मंथ में जो दोस्तों बंदी आई एंड जो करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिला, लोअर सर्किट लगी, दूसरी लोअर सर्किट लगने वाली थी लेकिन वो लोअर सर्किट लगी नहीं, उसके बाद का जो करेक्शन देखा, मोस्टली जो लेवल्स मार्केट में दोस्तों निकल के आ रहे थे, कहीं ना कहीं अगर मैं रूमर्स की बात करूँ, अगर मैं न्यूज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि यस मार्केट यहाँ से और गिरेगा 6000 तक के लेवल लोगों के मुंह पे सुनने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों वहीं से जो यू टर्न हुआ, एंड उसी दौरान अगर किसी ने अगर पैसे डाले होते तो आज उसका पोर्टफोलियो डबल हो गया होता। यस, अगर मैं रिलायंस की बात करूं दोस्तों, रिलायंस 900 के नीचे एक टिक मारा और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि 2300 के ऊपर के रिलायंस ने हाई बनाया, यानी आप कह सकते हो कि रिलायंस ने जो बॉटम बनाया था वहीं से डबल हो गया। अगर मैं अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करूँ, ओके, अगर मैं HDFC बैंक की बात करूँ, HDFC की बात करूँ, ओके, ये सारे के सारे स्टॉक दोस्तों ऐसे हैं। अगर मैं दोस्तों MP की बात करूँ या SMP की बात करूँ, आप देख सकते हो कि कहाँ वो 550 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक आज कहाँ पे 1100 के लेवल पे आ गया। तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपने रिसेंट बॉटम से 2 times हो गए हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ एक नेगेटिविटी मार्केट में होती है, छोटे ट्रेडर को लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से और गिरेगा, जो रूमर्स हमें मार्च मंथ में देखने को मिले थे, सुनने को मिले थे, लग रहा था सबको कि हाँ यहाँ से मार्केट और गिरेगा, ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये हो सकता है, ये स्क्रिप्ट में लोअर सर्किट लग सकती है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव रूमर्स थे, एंड उसके बेस पे जो एक छोटा ट्रेडर था, जो छोटा इन्वेस्टर था, वो मार्केट से दूर हो गया था, एंड वहीं पे स्मार्ट मनी ने मार्केट में पैसे डालना चालू किया दोस्तों। अब लाइव विटनेस आप देख सकते हो तो वहीं से कितना अच्छा राइज हमें देखने को मिला। आज अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ, रिसेंटली 12000 के ऊपर ने मार्केट ने अभी हाई बनाया है, एंड लग रहा है कि आने वाले टाइम में और भी अच्छे खासे मूवमेंट हम मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से प्राइमरी ट्रेंड चालू हुआ है, एंड आने वाले दिनों में और भी अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। यस, अभी दोस्तों प्राइमरी एक्युमुलेशन फेज के बाद दूसरा जो ट्रेंड दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है वो दोस्तों है पार्टिसिपेशन फेज। यस, बॉटम बन गया, स्मार्ट मनी घुस गया, एक अच्छा खासा एक्युमुलेशन हुआ, अभी वहां से एक ट्रेंड चालू हुआ, अपसाइड का ट्रेंड चालू हुआ, एंड हमें लग रहा है कि नहीं अब यहां से और मार्केट ऊपर जा सकता है।
यस, यहाँ से मार्केट ने बॉटम बना लिया, अभी यहाँ से काफी अच्छी मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है एंड नियर टर्म में काफी अच्छे रिटर्न स्टॉक स्पेसिफिक हमें देखने को मिल सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर फेज दोस्तों रहता है, ये जो पर्टिकुलर फेज दोस्तों रहता है, ये पार्टिसिपेशन फेज होता है। यहाँ पे मोस्टली जितने भी पार्टिसिपेंट मार्केट के होते हैं वो इस फेज में, यहां से लेके इस फेज में दोस्तों मार्केट में एंट्री करते हैं। यस, एंड नॉर्मली सबको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से काफी अच्छी मूवमेंट देगा, मार्केट अब यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न देने वाला है। जो छोटे ट्रेडर रहते हैं वो भी, उनको भी लगता है कि नहीं, मार्केट में अभी काफी अच्छी मूवमेंट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिकवरी के लेवल पे है, कोरोना का जो डर था, कोरोना का डर सबने अभी एक्सेप्ट कर लिया है कोरोना को, एंड वो जो डर था वो चला गया है। सब यही सोच रहे हैं कि अभी यहाँ से जो आने वाला टाइम होगा वो इकोनॉमी के लिए रिकवरी का टाइम होगा। कंपनी के रिजल्ट जो Q4 जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं वो रिजल्ट काफी अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि जो कंपनी को कंपनी वाइज जो लॉस होना था, बिजनेस जो लॉस होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ से कोई ऐसा लॉस दिख नहीं रहा है, कोई ऐसे डाउनफॉल दिख नहीं रही है। ओवरऑल जो मूवमेंट है अभी इकोनॉमी की वो रिकवरी के रेट पे हमें देखने को मिल रही है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि यहाँ पे हमें मार्केट में एक खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कम्युनिटी भी रहती है, कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अभी भी सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे मार्केट गिरा है, यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा एंड यहाँ से और मार्केट नीचे जाएगा। यस, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ट्रेडर्स, कुछ इन्वेस्टर ऐसे है जिनको अभी भी ये जो प्राइमरी ट्रेंड रहता है उसके ऊपर भरोसा नहीं रहता है, वो अभी भी वेट करते हैं कि नहीं मार्केट में यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है। एंड ये जो पार्टिसिपेशन दोस्तों फेज रहता है ना, वो सबसे लंबा फेज रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ट्रेंड जो रहता है वो एक साल से लेके उससे ज्यादा का टाइम में रहता है। दोस्तों मार्च मंथ के बाद जो मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिली, आप देख सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो, अक्टूबर एंड हुआ, नवंबर चालू हुआ, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड जो चालू हुआ वो अभी मोर देन अ ईयर रहेगा, यानी कि नेक्स्ट मार्च 2021 तक हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। मैं आपको दोस्तों लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, जो पैंडेमिक सिचुएशन के बाद मार्केट में जो हमें एक गिरावट देखने को मिली है एंड उसके बाद जो मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल रही है वो। एंड दोस्तों इसके बाद का जो फेज रहता है, यानी कि पार्टिसिपेशन फेज, जो सबसे लंबा टाइम रहता है, जो सबसे लंबा फेज रहता है, उसके बाद का जो दोस्तों फेज रहता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यस, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्मार्ट मनी ने जहां पे एंट्री मारी वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के टाइम पे यहाँ पे वो लोग एग्जिट होना चालू करेंगे। एंड दोस्तों जो चौथा प्रिंसिपल है वो है कि मार्केट इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर। यस, मार्केट इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि इफ इंडेक्स इज मेकिंग अ न्यू हाई, बट ओवरऑल कंडीशन अगर कंपनीज की सही नहीं है, अगर ओवरऑल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ और सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करूँ, अगर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंडेक्स अगर एक नया हाई बना रहा है, सो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, इट्स एन वार्निंग सिचुएशन। यस दोस्तों, उस टाइम पे चार्ल्स डाउन ने उस टाइम पे दो इंडेक्स यूज किए थे। पहला जो इंडेक्स था वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स एंड उसके साथ डाउ जोन्स रेल इंडेक्स, ये दो इंडेक्स का उन्होंने यूज किया था ये जानने के लिए कि ओवरऑल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो क्या है। एंड दोस्तों ये दो इंडेक्स के बेस पे उन्होंने एनालाइज किया था कि अगर ये दोनों इंडेक्स अगर पैरेलली चलते हैं, यानी कि अप ट्रेंड में है, इट मींस ना ओवरऑल इकोनॉमी कंडीशन इज गुड। अगर ये दोनों इंडेक्स डाउन साइड में है तो कहीं ना कहीं एक जो प्राइमरी ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, लेकिन अगर जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स है वो अप जा रहा है, लेकिन जो डाउ जोन्स रेल इंडेक्स है अगर वो कहीं ना कहीं एक थमा हुआ है, अगर उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, या इसका मतलब अगर वो एक डाउन साइड की मूवमेंट में जा रही है, यानी कि डाइवर्जेंस दिख रहा है हमें। कैसे? अगर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स अगर अप जा रहा है, लेकिन डाउ जोन्स रेल इंडेक्स अगर कहीं ना कहीं हमें एक हॉल्ट की लेवल पे दिख रहा है, यानी कि पहले जो हमें पैरेलल लाइन दिख रही थी उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस आ रहा है,
इट मीन्स इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, इट्स एन वार्निंग सिचुएशन के कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमें डाउनसाइड की मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इंडेक्स हमें अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है, ओके, लेकिन उस लेवल पे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ओके, जो सर्विस सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर उसमें कहीं ना कहीं वो मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है, अगर उसमें कहीं ना कहीं अगर डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है, इट मीन्स सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल, ओके, कहीं ना कहीं हमें यहाँ से डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उस टाइम पे डाउ थ्योरी इस बेस पे थी कि अगर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स अप जा रहा है, इसका मतलब कि डाउ जोन्स रेल इंडेक्स कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा है। अगर डाउ जोन्स रेल इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है वो अच्छी खासी है। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी अच्छी हो रही है तो उसको लेके जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो काफी अच्छा वर्क कर रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी अच्छा वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं जो एंड कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ रही है। तो ओवरऑल एक्टिविटी ऐसे फैच होती है, अगर डिमांड बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये सारा का सारा दोस्तों लिंकअप हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर इन बिटवीन अगर एक कड़ी भी, ये पूरे के पूरी चेन की दोस्तों अगर एक कड़ी भी अगर कहीं ना कहीं छूट रही है तो आप समझ सकते हो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन वहां पे मिल रहा है, एक अलार्मिंग सिचुएशन हमें वहां पे मिल रही है, एंड ओवरऑल इंडेक्स अप जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है वो ब्रेक हो रही है। तो आप भी सोच सकते हो कि हमें एक डाउनसाइड की मूवमेंट, हमें एक वीकनेस वहां पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो प्राइमरी ट्रेंड है पहले इंडेक्स का वो अप है, ओके, लेकिन दूसरे इंडेक्स का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप है, हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं हॉल्ट हो रहा है। अब यहाँ से एक अलार्मिंग सिचुएशन हमें देखने को मिली है, एंड यहाँ से हमें रिव्यू करने की जरूरत है कि आगे क्या सीन क्रिएट होने वाला है, आगे क्या मूवमेंट हमें मार्केट में देखने वाली है। तो दोस्तों इसलिए चौथा जो प्रिंसिपल है, चौथा प्रिंसिपल का नाम ही दोस्तों इसलिए है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसलिए कहते हैं कि अगर इकोनॉमी ऊपर के लेवल पे है, अगर इकोनॉमी एक अपट्रेंड में जा रही है तो उसके सपोर्टिव पैरामीटर्स वो भी अपट्रेंड में ही रहने चाहिए। अगर कहीं ना कहीं अगर उसमें फ्लैग मूवमेंट देखने को मिल रही है, अगर कहीं ना कहीं अगर उसमें नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो जो स्टॉक मार्केट है वो लंबे टाइम तक ऊपर के लेवल पे नहीं टिकेगा, वहां पे हमें एक डाउनसाइड की मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों ये चौथा प्रिंसिपल है जिसको आपको ध्यान में रखना है, यस। एंड दोस्तों पांचवा प्रिंसिपल दोस्तों ये कहता है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, यस, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। कई बार दोस्तों ये होता है कि स्टॉक में जो मोमेंटम होती है ना वो यहाँ पे चालू होती है, यहाँ तक आती है, लेकिन उस लेवल पे अगर दोस्तों मैं अगर वॉल्यूम पकड़ूँ ना तो वॉल्यूम बहुत ही लेस होता है, यस। अगर उस लेवल पे वॉल्यूम मैं पकड़ूँ तो वॉल्यूम बहुत ही लेस होता है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में, फिर भी स्टॉक प्राइस में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। दोस्तों आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा ड्राई वॉल्यूम है, लेकिन उस लेवल पे कोई 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 मूवमेंट, कोई वॉल्यूम इतना एट्रेक्टिव वॉल्यूम नहीं हो रहा है, फिर भी यू नो एक ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो आपको पता लग सकता है कि ओके विदाउट वॉल्यूम स्टॉक में मूवमेंट आ रही है, इसका मतलब कि ये जो मूवमेंट है वो सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं है। दोस्तों हमने आपको जो दूसरा प्रिंसिपल था उसमें हमने प्राइमरी ट्रेंड के बारे में बताया। दोस्तों तीसरे प्रिंसिपल में हमने प्राइमरी ट्रेंड के दूसरा फेज यानी कि पार्टिसिपेशन फेज के बारे में बताया। पार्टिसिपेशन फेज में दोस्तों हमने ये कहा था कि पार्टिसिपेशन फेज ऐसा फेज रहता है जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो रहते हैं ना वो एक हायर लेवल पे रहते हैं, यस, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ जाते हैं, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा प्राइमरी ट्रेंड चालू हुआ है, ओके, यहाँ पे मेरा एक्युमुलेशन फेज आ गया है, ये मेरा प्राइमरी ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है दोस्तों वो बहुत बढ़ जाते हैं कंपेयर टू दिस, ओके। सो दोस्तों अगर मेरा पार्टिसिपेशन फेज ही अगर मेरा लो है, ओके, प्राइमरी ट्रेंड में अगर मुझे उतना सब्सिक्वेंट अगर मुझे इतना सेटिस्फाइड वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो
तो उसके बाद की यहाँ से जो मूवमेंट है वो नीचे की हो सकती है, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम अगर कोई भी स्ट्रिप परफॉर्म कर रही है विदाउट एक्टिवली पार्टिसिपेशन, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको भी पता हो सकता, आपको भी पता है कि वो जो ट्रेंड है वो कितने टाइम तक टिकेगा, मोस्टली वहां से हमें डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, सो वॉल्यूम इज लाइक अ सेकंड इंडिकेटर, ओके, जो प्राइस को सपोर्ट करता है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है प्राइस के साथ, इट मीन्स इट्स अ वैलिड ट्रेंड, इट मीन्स यहाँ से और अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, ओके, अगर स्टॉक प्राइस में काफी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है एंड उस लेवल पे अगर स्टॉक में काफी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है, यानी कि यहाँ से और भी ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये हमारा जो है वो पांचवा प्रिंसिपल है। छठा प्रिंसिपल दोस्तों यहाँ पे ये है, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट, यस, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अंटिल एंड अनलेस क्लियर रिवर्सल सिग्नल्स अकर। ओके दोस्तों, ये जो छठा प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का बेस अगर दोस्तों मैं पकड़ू तो प्राइमरी ट्रेंड मेरा चल रहा है। ओके, ये प्राइमरी ट्रेंड दोस्तों तब तक मेरा एंड नहीं होगा जब तक मुझे कोई रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिलेंगे। ओके, रिवर्सल के सिग्नल मुझे कैसे मिलेंगे, रिवर्सल के चांसेस मुझे चांसेस कैसे दिखाई देंगे, प्रोबेबिलिटीज मुझे कैसे पता चलेगी कि अब यहाँ से मुझे डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ईजी है, आजकल टेक्निकल में, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ऐसे पैरामीटर्स है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स की बात करूँ रिवर्सल के लिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो है वो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रही है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैनल ड्रॉ करता हूँ, मैंने ये पर्टिकुलर चैनल ड्रॉ की है। ओके, ये जो येलो लाइन है, यू कैन से इट्स अ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, इसके अंदर रेड लाइन जो है वो स्टॉक प्राइस है, स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रही है। सडनली एक ऐसा सीन आता है कि स्टॉक जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन को ब्रेकडाउन दे देती है। यस, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड जो है यहाँ पे हमें एक डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिल रही है, यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का हमें ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। दोस्तों ये वही टाइम है जहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिला है, यानी कि हमारा जो ट्रेंड है यहाँ पे हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा कॉल लेना चाहिए वो तो आपको भी आइडिया है। अगर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है तो बोर्ड ऑफ ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक सेल इंडिकेशन मिल रहा है, हमें सेल साइड का सोचना चाहिए दोस्तों। तो ये एक फॉर्मेशन है जिसके बेस पे जाके आप एक डिसीजन ले सकते हो। दूसरा भी मैं आपको बता दूं, अगर मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर चल रहा है, ओके, एंड यहाँ पे दूसरा जो इंडिकेटर्स है जो मोस्टली लोग यूज करते हैं दोस्तों, इट्स मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर मेरा मूविंग एवरेज, ये मेरा मूविंग एवरेज है, ओके, यहाँ पे मेरा मूविंग एवरेज चल रहा है दोस्तों, एंड अगर दोस्तों स्टॉक अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, अगर इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी ट्रेंड था जो अप ट्रेंड में था वो अब यहाँ पे रिवर्स हो गया है। अभी यहाँ से मेरा जो ट्रेंड है वो मेरा नेगेटिव ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। यस, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट करने के बाद ऐसा नहीं है कि सिंगल डे में स्टॉक में करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, उसके बाद एक डाउनसाइड की मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों। यस, इसका मतलब कि हमारा अप प्राइमरी ट्रेंड जो है वो बियरिश साइड का है। यस, होप दोस्तों हमने ये जो सिक्स प्रिंसिपल की बात की है वो छह प्रिंसिपल का आपको आइडिया हो गया होगा। एंड दोस्तों डे टू डे बेसिस पे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम ये जो सिक्स प्रिंसिपल है उसका यूज कर ही लेते हैं। फर्क इतना है कि हाँ, हमें पहले पता नहीं था कि ओके इसको डाउ थ्योरी बोलते हैं। ओके, आज पता चला होगा कि ओके हम इसको डाउ थ्योरी बोल रहे हैं, हम इसका तो बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन कंफर्म आज हुआ है कि ओके ट्रेंड रिवर्सल आया है, इसका मतलब कि इट्स अ पार्ट, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक में मूवमेंट आ रही है, ओके इट्स अ फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी, ओके प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड जैसा भी हमने पढ़ा है, ओके इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी, ओके बोथ इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर, ओके ओके ये भी डाउ थ्योरी का ही प्रिंसिपल है। दोस्तों हमने ये सारी बहुत सारी चीजें पहले यूज की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता नहीं था कि ओके ये डाउ थ्योरी का ही पार्ट है, लेकिन यस इस डाउ थ्योरी के पार्ट है। अगर आपको इन सारी चीजों का अगर काफी अच्छा नॉलेज है, अगर इन डेप्थ अगर आपने
ऑलरेडी करके रखा है, आपका आइडिया नहीं है और आप करो, तो प्लीज थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़िएगा, क्योंकि यही थ्योरी के बेस पे, यही प्रिंसिपल के बेस पे आपको आने वाले जो नॉलेज आपको गेन करना है, जो टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है, इसका बेस दोस्तों आज ही के इस नॉलेज पे, आज ही के इस वीडियो पे है, क्योंकि जो सिक्स प्रिंसिपल की बात की है दोस्तों, इस सिक्स प्रिंसिपल के बेस पे जाके ही हम आने वाला जो लेक्चर है, जो सेशन है, वो लेने वाले हैं दोस्तों। यस दोस्तों, मैंने आपको जो भी बातें बताई प्लीज उसको नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि आपको डे टू डे मार्केट एक्टिविटी में ये सारी चीजें आपको बहुत काम आ सकती है, एंड इसके बेस पे जाके आप अच्छा खासा ट्रेडिंग डिसीजन भी ले सकते हो। यस दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे जो भी सिखाया है उसको एक बार जरूर से रिफर करना दोस्तों, एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो दोस्तों लेके आने वाले हैं वो है टाइम होराइजन के बारे में दोस्तों। हम आपको आइडिया देने वाले हैं कि टाइम होराइजन क्या है, टाइम होराइजन के बेस पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, कौन सा चार्ट, कौन सा टाइम फ्रेम आपको देखना है, जिसके बेस पे आप एक इंट्राडे है या पोजिशनल है या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिसीजन ले सकते हो। यस तो दोस्तों, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद लर्न विद जीफी एंड मेक ट्रेडिंग इजी, सो स्टे ट्यून्ड विद जीफी to gain more knowledge about the technical analysis. Thank you.